हाय दोस्तों, मैं सीआरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई, और मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट ऑडिट की स्ट्रेटेजी कि इन्होंने जो गिरीश ससवानी है ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लिया है, 689 मार्क्स आए हैं और ऑडिट में इनके 76 मार्क्स आए हैं। आज अब हम इनसे पूछेंगे कि भाई गिरीश, किस तरीके से आपने ऑडिट की तैयारी करी है जिसमें 76 मार्क्स आए हैं, जबकि ऑडिट में बच्चों का प्रॉब्लम आती है। एक ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको पास होना है तो आप 30-30 मिनट के अंदर अंदर भी पास होकर आ सकते हैं। 30 नंबर के आपके एमसीक्यू हैं, 14 नंबर के आपके करेक्ट इनकरेक्ट हैं। केवल इतना करने पे भी आपको पासिंग पास की श्योरिटी हो जाएगी। 14 नंबर के करेक्ट इनकरेक्ट बहुत ही सिंपल आते हैं, उसके अंदर आपने कर लिया 14, अगर आपने सही करें तो, और आपने टेक्स सही रखा है उसके अंदर, तो 12 नंबर आना बहुत ईजी है उसके अंदर। एंड एमसीक्यू भी अच्छे खासे बिल्कुल ईजी आते हैं आजकल तो, ऐसे ही के जितना मेरे पेपर में भी ईजी थे, और मैंने जितना सीनियर से पूछा उनके भी काफ़ी ईजी पेपर थे, ईजी क्वेश्चन थे एमसीक्यू में तो। एंड सो 44 नंबर आपके 30 मिनट्स में आपको ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत ईजी आपको पास होना। बाकी आपको 2.5 आवर्स में 56 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है, और 44 नंबर का आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं 30 मिनट में, तो पास होने के लिए 30 मिनट इनफ है। आप उतने में श्योर हो सकते हैं कि आप पास हैं या नहीं है। बाकी आप कुछ भी लिखते हैं तो भी आपके पास होने की गारंटी आ सकती है अगर आपने एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट अच्छे से टारगेट करें। बट ऐसा नहीं कि आप केवल उनको टारगेट करें, आपको थ्योरी भी टारगेट करनी पड़ेगी, बिकॉज करेक्ट इनकरेक्ट में आपको थ्योरी लिखनी ही पड़ती है। केवल आप सही करेक्ट आपने सही बता दिया करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसके बेसिस पे नंबर नहीं है। केवल आपको थ्योरी कोड करनी पड़ेगी स्टडी मटेरियल के अंदर से ही, उसके अंदर आपको अपनी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है करेक्ट इनकरेक्ट में, बिकॉज नंबर्स उसके अंदर बहुत ईजीली बढ़ सकते हैं। हर किसी को नंबर स्कोर करना ईजी होता है, तो उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज अगर आप टारगेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप उस वही लिख के आते हैं आंसर्स के अंदर करेक्ट एंड करेक्ट में। एंड बाकी ऑडिट ऐसे तो बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, उसको याद करना काफ़ी बहुत बहुत मुश्किल है बिकॉज टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा है उसकी लैंग्वेज में। एंड सो रिविजन इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज बेसिकली जो 10th कंपनी ऑडिट चैप्टर है उसको अगर अपन हटा दें, बाकी चैप्टर्स के अंदर टेक्निकल लैंग्वेज एंड जो टेक्निकल वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, उसको रिविजन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। मैंने जितना रिवाइज किया था, बहुत सबसे ज़्यादा मैंने रिवाइज ऑडिट को ही करा था ESSM के बाद, बिकॉज उसकी टेक्निकल लैंग्वेज बकअप करना बहुत मुश्किल है। एंड वही बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नंबर स्कोर करने तो आपको कीवर्ड्स प्लस टेक्निकल लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए ऑडिट के अंदर। अच्छा, ये जो ऑडिट है वैसे तो क्या है कि अगर आप ISA के मैटर से पढ़े करोगे तो सिंपल सी बात है, जितना भी याद रहेगा आपको 50% ध्यान रहा, 70% ध्यान रहा, वो सब ISA का रहेगा। तो बेटर है कि दूसरा मैटर पढ़ो ही मत, ISA का मैटर पढ़ो, चाहे वो SM हो चाहे RTP MTP हो, तो ये आराम से ईजिली रह जाएगा। और ये डरने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को कि ये बहुत टफ आता है या ऐसे ही मतलब बहुत थ्योरी में मार्क्स नहीं रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। ISA की मैट्रिक से पढ़ोगे, जितना आपको लर्न रहेगा वो ISA का रहेगा और वो आपका मैच होगा, और मैच होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए इनमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। गिरीश ने भी 76 मार्क्स लिए हैं, जबकि छोटे सब्जेक्ट इनके इंटरेस्ट में नहीं आते, फिर भी ये जो अचीवमेंट है बहुत अच्छा है। अदरवाइज कई बच्चे हैं जिनको थ्योरी बहुत अच्छी लगती है तो वो थ्योरी में अच्छा स्कोर कर जाते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा वीक होता है, सबका अलग अलग होता है, तो आप भी उस हिसाब से एडजस्ट करके और वर्किंग कर सकते हैं। थैंक यू।